हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एंड इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कैसे होती है और क्यों होती है, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वॉन्ट। जरूरत की जो चीजें होती हैं उनकी, उनके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, ये हमारा एम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो ही मार्केट में मूव करती हैं। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो चार रिक्वायरमेंट्स होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? वो चार कौन कौन सी है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि वो चीजें जिन्हें हम पैसों से खरीदते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इनको हम पैसों से खरीदते हैं, एंड जो हमारा रॉ मटीरियल होता है उसको भी हम पैसों से खरीदते हैं। तो थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल। Now, what is the difference between a labor and a human capital? Labor मतलब कि आपको जो direction दी गई है आप उस पे काम कर रहे हो, ठीक है? But human capital का मतलब जो आपसे काम करवा रहा है, यानी कि जो factory का owner होगा, या फिर जो industry का owner होगा, या फिर जो shop का owner होगा। जो owners होते हैं या जो managerial posts पे होते हैं, जो creative posts में होते हैं, दे आर ह्यूमन कैपिटल। लेकिन उनके ऑर्डर्स को जो ओबे करते हैं, उनके ऑर्डर्स को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेबर। सो फोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। सो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड है, लेकिन सिर्फ लैंड से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें उसके साथ साथ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। सो अगर हम लेबर की बात करें, कुछ लेबर ऐसी होती है जो कि हाईली एजुकेटेड होती है, जो कि हाईली स्किल्ड होती है, ठीक है? ये वाइट कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को, जो कि आपके चेयरमैन लेवल के लोग होते हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे हाईली एजुकेटेड एंड हाईली स्किल्ड होते हैं, ठीक है? और जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए हमारे को मैनुअल वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? हमारे को अब जिन्होंने हमें कोई डायरेक्शन दी है, जिन्होंने हमें एग्जीक्यूशन के लिए कुछ बोला है, उन वो वाला काम करने के लिए भी हमें कुछ वर्कर्स चाहिए। ये लोग जो होते हैं ये हाईली एजुकेटेड नहीं होते, इनके पास हाई स्किल्स नहीं होती हैं, ये अपनी लेबर को प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज The third requirement is physical capital. So, जो third requirement हमारे पास है वो है physical capital. That is variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Physical capital में वो सारे के सारे inputs आएंगे जो कि हमें production के time पे चाहिए। Production के time का मतलब क्या है? मान लो कि एक factory है और उसने car बनाना है, ठीक है? So, एक फैक्ट्री ने अगर कार बनानी है तो उसके प्रोडक्शन में जो भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी फिजिकल कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल उनको जो ग्लास है वो खरीदने पड़ेंगे, वो उनका एक इनपुट होगा। स्टील जो है वो उनका एक इनपुट होगा। कार्बन फाइबर उनका एक इनपुट होगा। सेम वेज वायर्स, स्टीरियोज, स्टेयरिंग व्हील के लिए जो प्लास्टिक्स वगैरह यूज होंगे, या जो लेदर यूज होगा, वुड यूज होगा, वो सारा का सारा ही प्रोडक्शन के इनपुट्स में आते हैं। सो इन इनपुट्स को खरीदने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं उनको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? सिर्फ खरीदने के लिए ही नहीं, बनाने के लिए भी जो चीजें चाहिए होती हैं उनको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स,
टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर्स टर्बाइन्स कंप्यूटर्स टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब ये जो फिजिकल कैपिटल है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हमारे पास होता है वर्किंग कैपिटल। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो ये वो कैपिटल है जो कि ऐसे चीजों को खरीदने में लगता है जो कि हमारे पास सालों साल रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूल्स हैं, मशीन्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे पास सालों साल रहने वाले हैं, वो हमें बार बार नहीं चाहिए। हमें फैक्ट्री का सेटअप करना है तो अगर हमें कोई असेंबली लाइन बनानी है उसमें, तो असेंबली लाइन एक ही बार बनानी पड़ती है, वो बार बार नहीं बनानी पड़ती है। तो वो चीजें जो कि सालों साल चलती हैं उनको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, और जो ये मशीन्स होती हैं इनको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। द नेक्स्ट वन वी हैव इज रॉ मटेरियल्स मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर्स। प्रोडक्शन जो है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, तो कार में हमें सिर्फ और सिर्फ स्टील और कार्बन फाइबर नहीं चाहिए, हमें ग्लास भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, वुड भी चाहिए, वायर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सेम वेज अगर हम सिंपल जो प्रोडक्शन है उसकी बात करें, एक कोई वीवर है तो उसको यार्न चाहिए, ठीक है, यानी कि जो क्लोथ वाला जो धागा है वो उसको चाहिए। एक पॉटर है उसको क्ले चाहिए। Also, some money is always required during the production to make payments and to buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. So, raw materials जो होता है and money in hand का मतलब क्या है? ऊपर अभी हमने पढ़ा था fixed capital, वहाँ पे भी हमने tools, machine and building खरीदी थी, ठीक है, लेकिन ये वो चीजें थी जो कि सालों साल चलेंगी, इसलिए हमने बोल दिया इस चीज को fixed capital. अब वर्किंग कैपिटल में क्या है? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। मनी इन हैंड का मतलब है कि जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी बार बार देनी है, तो ये मनी इन हैंड हुआ, ठीक है। रॉ मटेरियल हमें बार बार खरीदना है तो उसके लिए पैसा भी हमें बार बार देना है, तो ये हुआ वर्किंग कैपिटल। सो जो पैसा एक बार लगेगा वो है फिक्स्ड कैपिटल, जो पैसा बार बार लगेगा वो है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो मशीन्स एक ही बार लगेंगी उनको भी हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल, एंड जो मशीन्स बार बार लगेंगी उनको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, क्योंकि ये वाले जो रॉ मटेरियल होते हैं ये प्रोडक्शन में यूज्ड अप हो जाते हैं। ये इनका हम पहले इनपुट करते हैं, देन इसका आउटपुट बनाते हैं और फिर फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारे प्रोडक्शन में यूज हो जाता है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में मैंने बात की है वो है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास एंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस है वो होना चाहिए कि इन दोनों को किस तरीके से आप मिक्सअप कर सकें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपके पास नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस बिजनेस को सर्वाइव कैसे कराना है, एम्प्लॉयज कैसे हायर करने हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसकी मार्केटिंग कहाँ से होगी, उसकी अकाउंटिंग कहाँ से होगी। अगर आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता तो भी आप एक अच्छा बिजनेस नहीं चला पाएंगे। सो अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो हमें उस प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में हमें एंटरप्राइज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को किस तरीके से एक अच्छे यूज में लेके आया जाए कि हमारी प्रोडक्शन यूजफुल हो, हम उसको या तो अपने यूज के लिए मतलब जो हमारी सेल्फ कंजम्पशन है उसके लिए हम इसको यूज कर सकें या फिर हम मार्केट में सेल करने के लिए इसको यूज कर सकें। सो दिस दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न
मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें होगा पीपल एज अ रिसोर्स. तो वहां पे आप लोगों को समझाया जाएगा कि जो लोग हैं उनको कैसे एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम उनसे मैक्सिमम यूज जो है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं. अब यहाँ पे एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन. सो जैसे कि आप इमेज उसमें देख पा रहे हैं, अगर हम लैंड की बात करें तो आपको इस इमेज से नजर आ रहा होगा कि ये एक फैक्ट्री की इमेज है. ओके, सो लैंड यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट्री. लेबर यहाँ पे आपको दिखाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स हैं. और अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे क्या है, वो मशीन जिसके ऊपर ये सारे के सारे लेबर्स काम कर रहे हैं. सो ये हुआ आपका फिक्स्ड कैपिटल. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो यानी कि ये वो फोर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक प्रोडक्शन को रन करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल यानी कि पैसा एंड ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसान का दिमाग. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर. सो अभी हम आगे पढ़ेंगे जो ये फर्स्ट थ्री फैक्टर्स है हमारे पास, लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, इन तीनों के बारे में तो हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसके बारे में एक डेडिकेटेड चैप्टर है जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, पीपल एज अ रिसोर्स. तो उसमें हम डिटेल में ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे. और इस चैप्टर की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने फिजिकल कैपिटल को सिर्फ कैपिटल बोलना प्रेफर किया है. अब रादर देन कि हम पैसे को फिक्स्ड कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में बोलें, बार बार बोलें, तो उससे बेटर एनसीईआरटी ने समझा कि हम दोनों ही कैपिटल्स को मर्ज कर देते हैं फिजिकल कैपिटल में, और इस फिजिकल कैपिटल में भी हम सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे. सो जब भी कैपिटल की बात होगी दैट मींस के यहां पे पैसों की बात हो रही है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि फार्मिंग इन पालमपुर टॉपिक में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको फार्मिंग में यूज होने वाले लैंड की रिक्वायरमेंट और एफिशिएंसी के बारे में समझाएंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.